हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1476 नए मामलों की पुष्टि। गुरुग्राम में 261 नए मामले, जबकि फरीदाबाद में 157 नए मामले दर्ज किए गए। हिसार में कोरोना के 117 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं रोहतक में पिछले 24 घंटे में 101 नए मामले सामने आए। बात करें जींद की, तो जींद में 99 नए केसेस। वहीं 24 घंटे में कोरोना के कारण प्रदेश में 23 लोगों की मौत। डीसी और डीएफएससी के साथ सीएम मनोहर लाल की जारी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही है। बैठक में धान खरीद पर सीएम मनोहर लाल फीडबैक ले रहे हैं। गोहाना के बरौदा थाना के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच कर रहे बरौदा थाना के एसएचओ बदन सिंह ने बताया कि 40 साल के व्यक्ति ने उसके पड़ोस में रह रही बच्ची को पहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बिजली विभाग टोहाना को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रिकवरी में 60% का नुकसान हो रहा है। 5000 रुपए से ऊपर की रिकवरी के उपभोक्ताओं से रिकवरी के लिए विभाग के एसडीओ को आदेश जारी किया गया है। फीडर के लोड संबंधी कार्यों के लिए विभाग योजना तैयार कर रहा है। बिजली विभाग के एक्सीएन रणवीर सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की गहरा घाटा सहन करना पड़ रहा है। उनके अनुसार रिकवरी में 60% का घाटा निकल कर सामने आ रहा है। इसमें से बिजली लॉस की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 17 से 18% और ग्रामीण क्षेत्र में 60% है। उन्होंने बताया कि अपने अंतर्गत आने वाले एसडीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन भी उपभोक्ता का 5000 रुपए से ऊपर का बकाया है, उनसे जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। इसके लिए उपभोक्ताओं को समझाया जाता है ताकि बिजली विभाग बेहतर सेवाएं दे सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उपभोक्ता अपना बिजली का बिल नहीं भरता तो चेतावनी के बाद उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपना बिजली का बिल समय पर भरें। सोनीपत के मूर्तल के ढाबे पर खाना खाने गए एक शख्स की कार बदमाश लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने शख्स और उसके ड्राइवर से गन पॉइंट पर दो बदमाशों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पानीपत के गांव वाना लाखू का रहने वाला रविंद्र और उसका ड्राइवर पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन वे मूर्तल के गुलशन ढाबे के सामने खाना खाने रुक गए। लेकिन जैसे ही वो कार में खाना खाकर बैठे तो अज्ञात बदमाशों ने उसके सिर पर गन अड़ा दी और उसकी कार समेत 20,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। टोहाना के नागरिक अस्पताल में लगभग 4 महीने के बाद आधार कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। अक्टूबर महीने की बात करें तो आधार कार्ड सेंटर में 470 व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए आधार कार्ड सेंटर संचालक गुरप्रीत मुकरिया ने बताया कि नागरिक अस्पताल के प्रांगण में स्थापित इस आधार कार्ड सेंटर पर शहरवासियों को सरकारी शुल्क परी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि अपने आधार कार्ड जरूर जनरेट कराएं और अगर इसमें कोई बदलाव है तो उसे भी बड़ी आसानी से आप सरकारी शुल्क पर नागरिक अस्पताल में स्थापित आधार कार्ड सेंटर पर आकर करवा सकते हैं।
फतेहाबाद में सदियों पुरानी ऐतिहासिक और बदहाली और अवैध कब्जों का शिकार रही चिल्ली झील का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने इस बार सिर्फ दावे न करते हुए जमीनी स्तर पर भी काम शुरू किया। स्वच्छता अभियान के तहत चिल्ली में से गंदे पानी की निकासी और इसकी सफाई का कार्य विधिवत रूप से शुरू करवा दिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। इसके लिए हफ्ते पहले करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया गया था। उपायुक्त ने बताया कि विकास कार्य का टारगेट प्रशासन ने रखा है जिसे पूरा किया जाएगा। चिल्ली झील को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे ही ये खाली होगी तो इसके सूखने पर इसके अच्छे से खुदाई करवाई जाएगी और फिर जैसे प्रशासनिक स्तर पर इसको डेवलप करने की प्लानिंग है उसके तहत इसे रमणीक स्थल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ये बहुत अच्छा स्थान बने, लोगों के घूमने बैठने बच्चों महिलाओं के खेलने के लिए अच्छा स्थान शहर को मिले। बताया कि ये प्रोजेक्ट सीएम घोषणा के तहत भी आता है जिसमें कई एजेंसी और विभाग लगे हैं। पब्लिक हेल्थ पानी निकलवा रहा है, गंदे पानी को एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद इरिगेशन विभाग इसकी खुदाई और बाउंड्री वॉल बनवाएगा। चिल्ली झील को कई जगहों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जों से भी छुड़वाया जाएगा। फरीदाबाद में सेटरिंग के एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले मृतक ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने लिखा कि वो शर्मा जी द्वारा दी जा रही धमकियों और पैसे के कारण आत्महत्या कर रहा है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि शर्मा जी 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे। वहीं मृतक के पहने हुए कपड़े पर शर्मा जी नमस्ते लिखा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर जांच कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पांचवें अनलॉक में भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ना खुलने पर वकीलों में भारी रोष। वकीलों का कहना है कि पांचवें दौर के अनलॉक में काफी कुछ खोल दिया गया, सिनेमा भी खोल दिए जाए लेकिन कोर्ट नहीं खोले गए। वकीलों ने कहा कि कोर्ट बंद होने की वजह से काफी वकील परेशान होकर चंडीगढ़ छोड़कर चले गए। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 12 अक्टूबर से अदालतें नहीं खुलती तो वकीलों को मजबूरी में भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है। बोर्ड के डायरेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी समेत संबंधित सभी विभागों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है। इसके अलावा एनजीटी और दूसरी कमेटियों की ओर से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत कृषि विभाग में राजस्व विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करता रहा है और जुर्माना वसूली करता रहा है। इसलिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग ही किसानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करने में सक्षम है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी इन आदेशों के बाद हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। फतेहाबाद जिले में बुधवार को 10 जगहों पर जलाई गई पराली।
फतेहाबाद के रतिया और टोहाना इलाके में पराली जलाने का मामला सामने आया है। मामले में फतेहाबाद के उपायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी, एडीओ, ग्राम सचिव, सरपंच और नंबरदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले पर जवाब मांगा है। बता दें कि फतेहाबाद में अब तक किसान 23 जगहों पर पराली जला चुके हैं। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह ने बताया कि जिले में धान की पराली में आगजनी की रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय टीम गठित की गई है। उपायुक्त ने कहा कि पटवारी और ग्राम सचिव को निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में आगजनी की घटना होती है तो इसकी सूचना 30 मिनट के अंदर अंदर नोडल अधिकारी को दें। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग धान की पराली की आगजनी के दुष्प्रभावों और आगजनी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एनजीओ द्वारा जारी हिदायत अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में गरीब लोगों के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है, लेकिन गरीब अभिभावकों को निजी स्कूलों की मनमानी के चलते इन स्कूलों का फायदा होता नहीं दिख रहा। कोरोना काल के दौरान 15 निजी स्कूल संचालक टीसी देने के नाम पर अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं। अभिभावक स्थानीय शिक्षा विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस मामले में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा टीसी देने के नाम पर मोटी फीस वसूली की शिकायत आ रही है, जिन शिकायतों का कार्यालय द्वारा समाधान भी कराया जा रहा है। कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए एचटेट परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं 21 और 22 नवंबर को होंगी, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड तैयारियों में जुट गया है। कोरोना के चलते इस बार दोगुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं उनसे भी निपटना है, जिसके लिए परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और मास्क अनिवार्य करते हुए एक कमरे में इस बार 24 की बजाय 12 बच्चों को ही बिठाया जाएगा। प्रदेश में ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस ओवरलोडिंग के चलते हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। प्रशासन इन पर लगाम लगाने की बात करता है, लेकिन इन पर कितनी कार्रवाई होती है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी ओवरलोड माफिया बिना किसी डर के ओवरलोड वाहनों को बिना किसी परेशानी के निकलवा देते हैं। टोना के गांव टैठर में रास्ते के विवाद को लेकर सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच उस समय कहासुनी हुई जब मौजूदा सरपंच ने जेसीबी को बुलाकर रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसके बाद पुलिस ने झगड़े को खत्म करवाया। पुलिस तस्वीरों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र में मेडिकल स्टोर की आई आड़ में नशीली दवाई बेचने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों नशीली दवाई की गोलियां बरामद की हैं और नशीली दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर मालिक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। उधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सदर पुलिस थाने सर ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मेडिकल शॉप चलाने वाले किशोर को धर दबोचा है और उसके कब्जे से 75,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने उसके साथ साथी को भी गिरफ्तार किया है। अब दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और बाकी नशे के नेटवर्क की जाँच की जा रही है। हाथरस की हैवानियत पर अब सियासत गरमाने लगी है। बीते रोज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें
बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। अनिल विज ने इसे कोरी राजनीति करार दिया है। उधर उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्षी किसानों के कांधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, लेकिन किसान उनका खेल समझ चुके हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। नूह में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े और हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। हिसार में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से शुरू होकर फव्वारा चौक तक निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने फव्वारा चौक पर हिसार रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस के बाहर धरना दिया। हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में बीजेपी मामले को पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि आए दिन ऐसी वारदातों से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गोहाना में लोगों ने वाल्मीकि चौक पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकालते हुए शहर के अंबेडकर चौक तक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धान की खरीद शुरू न होने के चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। अंबाला हिसार हाईवे के बीचों बीच बैठे किसान धान की खरीद शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। इसी को लेकर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी अंबाला पहुंचे, जहां पर तीन दिन से जारी धरने पर बैठे किसानों को गुरनाम सिंह चरूनी ने संबोधित किया। गुरनाम सिंह चडूनी ने कृषि कानूनों को एक बार फिर से काला कानून करार दिया। कहा कि अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो पूरा देश कॉरपोरेट का गुलाम हो जाएगा, फिर ये कॉरपोरेट मनमर्जी से स्टॉक करेंगे और देश की जनता को लूटेंगे। सिरसा में किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। कालावली के विधायक शीशपाल कहरवाला ने भावतीन टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत की। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में सिरसा के गाँव बेगू से ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ। इस ट्रैक्टर मार्च का समापन सिरसा की अनाज मंडी में हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीलोखेड़ी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोल मार्केट नीलोखेड़ी में धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र के निर्णय से छोटा किसान मजदूर बन जाएगा। फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर रोष जुलूस निकाला और कृषि कानून को काला कानून करार दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस की ओर से कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने रतिया में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानून को काला कानून बताया। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस इसे लागू नहीं होने देगी। कैथल में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता और किसान पहुंचे। सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने जो जबरदस्ती तीन नए कानून बनाए हैं, वो किसान के विरोध में काम करेंगे, जिसका परिणाम अभी से निकलना शुरू हो गया है। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 15 दिनों से किसान अपनी धान बेचने के लिए मंडी में है, लेकिन सरकारी रेट पर किसी भी किसान की अभी तक धान की खरीद नहीं हुई। हालांकि सरकार का दावा है कि वे धान की खरीद कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।